तो 10th का रिजल्ट आउट हो गया है और आप सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों, 10th का रिजल्ट आने के बाद अब जो मेन क्वेश्चन है वो आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि 10th के बाद आखिर करें क्या, साइंस लें, कॉमर्स लें या हम आर्ट की तरफ जाएं। तो ये क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में आता है, कभी हमारे दिमाग में भी आया करता था। तो यहां पर बच्चों आपको ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, कई लोग मिलेंगे आपके रिलेटिव्स में, आपकी फैमिली में या आपके जो भी साथ वाले हैं, सभी आपको ज्ञान देते हैं। क्या बोलेंगे कि अगर आपने 70% बनाए हैं तो आप मैथ साइंस ले लो, 60% बनाए तो कॉमर्स ले लो और 50 वाले हो तो आप तो भैया आर्ट वाले हो, आप मैथ साइंस का सोचना भी नहीं। तो बच्चों अगर ऐसा कोई बोल रहा है, तो मान लीजिए वो कौन है, वो जीवन में जो कुछ नहीं कर पाया वो ही ऐसा बोल सकता है कि 50% वाला मैथ साइंस नहीं ले सकता। एक कागज का टुकड़ा आपकी काबिलियत नहीं दर्शाता, आपको मैथ साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या जो भी आप चाहते हैं क्या लेना है वो इस वीडियो के बारे में, वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद सिलेक्ट करेंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल न्यू एजुकेशन मैथमेटिक्स, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे बच्चों 10th के बाद क्या लें, 10th के बाद क्या सिलेक्ट करें। तो बच्चों मेनली जो हमारे सामने ऑप्शन आते हैं वो आते हैं साइंस के, कॉमर्स, आर्ट और भी कई ऑप्शन है। तो मेनली हम इनमें कंफ्यूजन होती है हमको कि हम क्या सिलेक्ट करें। अब बच्चों मैंने जैसे कि बताया, आप परसेंटेज पे इनको डिफाइन नहीं करिए कि ये 70% वालों के ऊपर के लिए है, ये 60 वालों के लिए, ये 50 या उससे नीचे वालों के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। 70% आप लाए हो या 60% या 50 या 33% भी आप लाए हो तो वो आप लाए हो, आप खुद से आपने गेन किए हैं, किसी ने दिए नहीं है, आपने खुद से गेन किए हैं। तो ये मेनली बात है कि आपने उतनी की मेहनत की थी तो आपको उतना मिला है, आपने 50% की मेहनत की थी तो आपको 50% मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 70 या 80 की मेहनत नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं, हर बच्चा कर सकता है, आप 90 की कर सकते हैं। तो साइंस लेना, कॉमर्स लेना, ये परसेंटेज डिफाइन नहीं करते हैं, ये आपका टैलेंट, आपकी काबिलियत डिफाइन करते हैं और आपका इंटरेस्ट डिफाइन करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट में हमको पढ़ने को क्या मिलेगा। तो बच्चों साइंस में आपको मेनली दो कैटेगराइज में हम करते हैं, एक पीसीएम की और एक पीसीबी की। पीसीएम आप जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और एक मैथमेटिक्स के लिए, और एक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। तो बच्चों अगर आपको मेडिकल सर्विस में इंटरेस्ट है, आप फार्मेसी मेडिकल सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको बायोलॉजी कंपलसरी है, आपको बायोलॉजी कंपलसरी है अगर आप मेडिकल लाइन में, डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं तो। वहीं आप टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको यहां पर पीसीएम से आप यहां से जा सकते हैं, ये आपकी टेक्निकल लाइन के लिए, आईटी वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बनते हैं वो इस फील्ड से जाते हैं, पीसीएम के फील्ड से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में इसको आपको मेनली इसमें आपको पढ़ने को मिलता है। भाई बच्चों अगर कॉमर्स की हम बात करें तो कॉमर्स में बच्चों आपको इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी मिलती है, इसमें आपको इकोनॉमिक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में आपको जानकारी मिलती है, बिजनेस स्टडीज का आपका इसमें सब्जेक्ट होते हैं और भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको मेनली शॉर्ट में बता रहा हूं। बच्चों आर्ट में आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, आप पॉलिटिक्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप पढ़ते हैं। अगर हम बात करें पूरी हिस्ट्री हमें इसमें मिलेगी, भारत का जो इतिहास है पूरा हमें आर्ट में मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस मिलेगी और भी कई सब्जेक्ट इसमें होते हैं। अब देखिए आप इसमें टेक्निकल और मेडिकल फील्ड के लिए आप साइंस चुन रहे हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस या मैनेजमेंट में बोलूं, मैनेजमेंट भी हम इसमें रखते हैं, मैनेजमेंट की जो कैटेगरी होती है उसको भी हम कॉमर्स में रखते हैं, और आर्ट में आप पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री को रखते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अलग फील्ड है। अब यहां पर आपको खुद से सिलेक्ट करना है
कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है और आपको किस फील्ड में जाना है। सपोज आपका आपने आपने शुरू से आपने सोच के रखा है कि मुझे यूपीएससी कंडक्ट करके, यूपीएससी क्लियर करके और मुझे आईपीएस या आईएएस बनना है। लोगों को बचपन में बच्चों से पूछते हैं स्कूल में कि आपको क्या बनना चाहते हैं, तो वो सीधा बोलते हैं मुझे सर आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है या आईएफएस बनना है या आईएएस बनना है। जो भी आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूपीएससी कंडक्ट करना होता है। तो इसका मतलब यूपीएससी करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लें, किसी भी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। लेकिन हमें चुनना है बच्चों सीधा रास्ता कि हम अगर हमारा ये लक्ष्य है तो हम किस रास्ते से जाएं। तो सबसे पहले तो हमें लक्ष्य हमारा जो है वो टारगेट फिक्स होना चाहिए। तो टारगेट क्या है हमारा, क्या है हमारा एम, पहली चीज क्या है बच्चों एम, पहली चीज क्या है एम। ये अगर ये आपका फिक्स नहीं है तो आप इनको सिलेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको फिक्स क्या करना है, आपका एम फिक्स करना है कि आपको बनना क्या है जीवन में, जीवन में किस फील्ड में जाना है, करना क्या है। तो पहले अपना क्या फिक्स करिए, एम फिक्स करिए, एम क्या है आपकी मंजिल है और ये क्या है ये रास्ता है, इस रास्ते से गुजरते हुए आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। सपोज करिए आप एक गाड़ी लेकर रास्ते पर घूम रहे हो, मार्केट में एक गाड़ी लेकर आप घूम रहे हो, लेकिन आपको मंजिल का ही नहीं पता जाना कहां है, तो जीवन भर गाड़ी में घूमते रहोगे क्या भाई। पहले मंजिल तो निर्धारित करो कि मुझे वहां जाना है, तब तो गाड़ी से पहुंचोगे। तो ये है वो मंजिल, तो आप सिलेक्ट करिए आपको आईएएस बनना, आईपीएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, क्या जो भी बनना चाहते हैं आप, पहले एम सिलेक्ट करिए। अगर एम सिलेक्ट हो गया तो रास्ता अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि सर यूपीएससी में बेसिकली हमको पढ़ने को मिलता है क्या, हिस्ट्री के बारे में पढ़ने को मिलता है, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने को मिलता है और ये सब्जेक्ट तो हमें आर्ट में पढ़ने को मिलते हैं, क्या आर्ट से ही यूपीएससी कंडक्ट क्लियर कर सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप साइंस ग्रुप से भी आईएएस कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो, बात कहां आकर होती है। देखिए अगर आप आज आपने 10th क्लियर की है, आपकी एज क्या होगी, आपकी एज बच्चों 16 या 17 यही होगी, आप 2 साल 11th 12th करेंगे, आपकी एज क्या होगी, आपकी एज 18 या 19 हो जाएगी। इसके बाद अगर आप आर्ट्स लेते हैं, आर्ट लिया है अपने और आप 19 ईयर के ओल्ड हो चुके हैं, तो इसके बाद आप जब कॉलेज करेंगे तो कॉलेज आपने 3 साल का यहां से ग्रेजुएशन किया तो आपकी एज हो गई बच्चों 21 या 22। अब आप 21 या 22 ईयर ओल्ड है और आपको यूपीएससी की तैयारी करनी, तो बच्चों ये ऐसा सब्जेक्ट है कि यहां से आप 11th से ही यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो आप सोचिए इसको, आप 1 साल तैयारी करने के बाद ही आप 23 में आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, आप 23 मात्र 23 साल की उम्र में क्या बन जाएंगे, आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। ये सीधा रास्ता है। वहीं अगर आप साइंस लेके आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए जरा, साइंस आप अभी 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, आपने 2 साल 11th 12th किए, आप 18 साल के 19 साल के हो जाएंगे, उसके बाद आपने 4 साल की इंजीनियरिंग कर ली तो आप 23 ईयर के हो गए। अब आप इंजीनियरिंग एक अलग फील्ड में है, अब अगर आप आईएएस की तैयारी करने जाएंगे तो आपको कम से कम 2 या 3 साल लगेंगे, 2 या 3 साल लगेंगे, आप हो गए 26 के, उसके बाद आईएएस की प्रक्रिया पूरी होने में, उसका रिजल्ट फाइनल आने में आपको 2 साल लग जाएंगे, तो आप हो जाएंगे 28 ईयर ओल्ड। कितने हो जाएंगे, 20 ईयर। तो यहां पर देखिए बच्चों 23 और 28 कितनी साल का अंतर आ रहा है, 5 साल का आपकी सफलता में, यहां से भी आईएएस बन रहा है, यहां से भी आईएएस, अंतर कितना आ रहा है, 5 साल का। तो क्या सफलता मैटर करती है, आपकी उम्र मैटर नहीं करती, जीवन के 5 साल आप इंपोर्टेंस क्यों दे रहे हैं जब बनना आपको आईएएस है भाई, यहां से बनिए ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि आपको आपका एम जो है वो फिक्स्ड होगा तो आपको सही रास्ता चुनने में मदद होगी। अगर आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है तो डायरेक्ट पीसीबी चुनिए ना, वैसे भी बायोलॉजी तो कंपलसरी है डॉक्टरी के लिए, तो आपको चुनना ही, यहीं से जाना ही है। तो घूम फिर के जाने से क्या मतलब है, सीधा जाइए ना। तो सीधा कब जा सकते हैं, जब हमको मंजिल क्लियर होगी, हमारा एम बिल्कुल फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो यहां से आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम कैसे अपने गोल को आप पा सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप गोल आपका आप फिक्स कर लेंगे तो आपको क्या साइंस में जाना है या कॉमर्स में जाना है या आर्ट में जाना है या आपको फैशन डिजाइनर बनना है कि आपको स्पोर्ट्स में जाना है, आपको जिसमें भी जाना है आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स डिफाइन करिए। कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, मेनली 12th के बाद कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और कॉलेज को एक तरफ रख देते हैं। तो बच्चों अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं
तो उसके लिए आप अपने मैथ्स और साइंस को स्ट्रांग रखिए, मैथ्स और साइंस को स्ट्रांग हमेशा रखिए, क्योंकि मैथ्स क्या है, मैथ्स आपके माइंड को शार्प बनाती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है। तो अगर मैथ्स आपकी अच्छी रहेगी तो आपको वहां पर कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने में मदद मिलेगी। अगर आप अभी से थ्योरिकल पढ़ने चले गए, आप कॉमर्स या आर्ट लेकर कॉम्पिटिशन के बाद में तैयारी करेंगे तो आपको समस्या बिल्कुल पक्का होगी, आपको यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, आप खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। मैं नहीं कह रहा कि आप ये लीजिए, मैं बता रहा हूं, क्योंकि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैथ और साइंस आ रही है, और बच्चे क्या करते हैं कि टेंथ के बाद कुछ लोग छोड़ देते हैं और बाद में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर आपके दिमाग में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी है तो आप मैथ और साइंस को ना छोड़ें, और बाकी आप अपना एम क्लियर करिए, आप अपना एम बनाइए और उसके हिसाब से सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करिए कि हम इस सब्जेक्ट के द्वारा हमारा एम है, हम यहां इससे पहुंचेंगे। तो आपको जो मैंने एग्जांपल दिया कि गाड़ी लेकर घूमना नहीं पड़ेगा, आपको अपना एम मालूम होगा तो गाड़ी लेकर सीधे रास्ते से आप कहां पहुंच जाएंगे, अपने एम पर पहुंच जाएंगे। आई होप आपको सभी ये बातें समझ में आई होंगी, और आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एम फिक्स करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट की यहां से सिलेक्ट करेंगे। पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करें, पहले एम सिलेक्ट करें। तो यहां हम इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आई विश आप आपके जीवन में अच्छा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और सभी लोग सक्सेसफुल बने।